Good morning and assalamu alaikum. My name is Khurram Shahzad and I'm talking to you from Kyaso. It's a very small town or village in Switzerland. So Pakistan se yahan aake aur frequently Switzerland aane ke baad I realized ke hame kya aisi cheeze karni chahiye being a Pakistani ke hum improve kar saken as a nation. Kyaso actually Italian and Switzerland ke border ke bilkul upar maujood hai. For example, agar main yahan se uthke 50 kadam walk karunga to main Italy ke area mein chala jaunga aur idhar Switzerland hai, us taraf camera ke piche Italian border hai. So yahan aane ke baad Italian and Switzerland dono mulkon ke culture ko देखने का समझने का मौका मिलता है. सो मेरे ख्याल से अगर हम ये तीन चार चीज़ें अपने कल्चर में इम्प्रूव कर लें, ऑलरेडी हैं, इम्प्रूव कर लें, तो एज ए नेशन हम अपना ग्लोबल इमेज बहुत बेहतर कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी. नंबर वन, टाइम मैनेजमेंट. जो भी काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए अगर कोई आपने वक्त मुकर्रर किया है तो उसको कोशिश करें कि अकॉर्डिंगली टाइमली आप उसको एग्जीक्यूट करें. नंबर टू, अपने क्लाइमेट का ख्याल रखना. क्लाइमेट का क्या मतलब? अब ये खुदा का गिफ्ट होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए, कि अगर वहाँ पर हर तरह का मौसम हो, जैसे पाकिस्तान में चारों मौसम हैं. स्विट्ज़रलैंड में और इटली में सर्दी ज़्यादा टाइम होती है और ज़्यादा अरसे ज़्यादा महीनों के लिए होती है. क्लाइमेट का ख्याल कैसे कर सकते हैं आप? कम से कम माहौल को पोल्यूट करें जितना आप मिनिमम कर सकते. नंबर वन, आप जितनी भी गारबेज है उसको प्रॉपर तरीके से डंप करें. एज इंडिविजुअल बात करूँ, ना कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट का काम है वो देखें उसको सही करें, बट एज एन इंडिविजुअल आपको एटलीस्ट रोड पे, स्ट्रीट्स में नई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको लगे कि हमारा ये इन्वायरमेंट, हमारा माहौल ख़राब हो रहा है. वो बहुत ज़रूरी है. और जहाँ पर आप रहते हैं आपके घर साफ़ होने चाहिए, आपके रूम साफ़ होने चाहिए, आपके जो घर के आसपास की जगह है, जो जहाँ पे भी आपका रहने का सिलसिला है उसको आप क्लीन रखें.